सक्सेस मिले पूरी टीम को बधाई देता हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी सोच है कि शॉर्ट फिल्म में अब जो है एक ट्रेंड चल पड़ा है, हर किसी के जहन में कोई ना कोई छोटा सा ख्याल तो होता ही है, तो छोटे से ख्याल के लिए बड़ी फिल्म बनाना या बड़ा वेब सीरीज बनाना या बड़ी सीरियल बनाना ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, बजट के हिसाब से, सपोर्ट के हिसाब से, टीम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। तो शॉर्ट फिल्म जो है वो एक बड़ी आजकल ईजी प्रोसेस हो गई। आजकल आप मोबाइल में अगर फोन के आपके पास हो तो मोबाइल पे बना सकते हैं, अगर आपके पास फ्राइडी है तो फ्राइडी से बना सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर आपके पास थॉट है तो चीज़ों के लिए या सुविधाओं के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, सपोर्ट के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, ये वन मैन आर्मी है, आप अकेले बैठ के भी बना सकते हैं। तो ऐसी चीज़ के लिए आदमी सोचते हैं कि मैंने इतना अच्छा थॉट बनाया, इतनी अच्छी बात बनाई, चाहे वो दहेज के ऊपर हो, चाहे वो मीडिया के ऊपर हो, चाहे बॉलीवुड के ऊपर हो, चाहे न्यूज़ के ऊपर हो, चाहे करंट टॉपिक पर हो, चाहे हिंदू मुस्लिम की एकता पर हो। तो ये थॉट अप्रिशिएट होना बहुत ज़रूरी है, एक बड़े लेवल पर, बड़े प्लेटफॉर्म पर उन्हें अप्रिशिएट करना ज़रूरी है, उन्हें अवार्ड देना, उन्हें रिवॉर्ड देना बहुत ज़रूरी है। और ये काम अज़र भाई और उनकी पूरी टीम कर रहे हैं, तो मेरी तरफ से बहुत सारी बधाई है, क्योंकि ये बहुत अच्छी शुरुआत है और ये इंटरनेशनल लेवल पर इसका लोग ध्यान दे रहे हैं, इस बात की मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है और बड़ी खुशी हो रही है। और मुझे लगता है कि आगे चल के बड़े बड़े फेस्टिवल में इन फिल्मों का जिक्र होगा, इस टीम का जिक्र होगा। बहुत टैलेंटेड आदमी है अज़र का, मतलब है कि आप समझ लीजिए कि हर चीज़ की नॉलेज है, मतलब एक्टर से एक्टिंग करवा लेना, एडिटर से एडिट करवा लेना, शूट करना, लोकेशन का नॉलेज, आर्टिस्टों से रिलेशन, मीडिया के साथ संबंध, ये पूरा कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि एक नाम बनता है अज़र, जो बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के लिए। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है कि आपके हर किसी के साथ अच्छे रिश्ते होने चाहिए, अच्छे रिलेशन होने चाहिए। तो जब भी वो कोई काम शुरू करता है तो उसका काम रुकता नहीं है, उसकी वजह ये है कि वो वन मैन आर्मी है और पूरे हर क्षेत्र का नॉलेज रखने की वजह से हर प्रोफेशन के लोग उसके दोस्त भी हैं और उसे जानते भी हैं, तो काम आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है। क्योंकि आजकल मोबाइल पर हर चीज़ आने की वजह से मोबाइल पर जितने एक्सपेरिमेंट होंगे, मोबाइल के लिए जितने एक्सपेरिमेंट होंगे, जैसे कह सकते हैं कि अब वाकई हैंड टू माउथ होगा, मतलब मोबाइल की जरूरत करो और खाओ पियो, ऐसा मतलब माहौल होता है। तो ऐसे में OTT जो है मोबाइल को सपोर्ट करता है या होम थिएटर को सपोर्ट करता है, तो अब थिएटर में लोग जाते हैं समय निकाल के या टेलीविज़न देखते हैं समय निकाल के, लेकिन मोबाइल चूँकि हर वक्त साथ में होता है तो आप किसी भी चीज़ के लिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं, आपको सब्सक्राइब करना है और सामने की OTT प्लेटफॉर्म चलेगा चले जाकर उसके बंच ऑफ वेराइटीज़ आपको आजकल तो हर OTT प्लेटफॉर्म पर हर टाइप के शोज बन रहे हैं, कॉमेडी शोज बन रहे हैं, इंटरव्यू बेस्ड शोज बन रहे हैं, वेब सीरीज बन रही है, तो आपको हर चीज़ देखने मिलती है और वेराइटी है, तो अच्छी बात है, OTT का तो स्वागत करना चाहिए। मैं आपसे प्रोडक्शन की जो बताइए अपने बारे में और इनका जो फिल्म इंडस्ट्री था उसके बारे में काफ़ी इंस्पायरिंग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मायसेल्फ नाफ गांधी, मैं एक डायरेक्टर भी हूँ और एडिटर भी हूँ, और कुछ महीनों पहले मैं अदर सेंसर से मिली हूँ। तो जैसे अभी सर ने कहा कि वन मैन आर्मी, तो सीरियस ही इज वन मैन आर्मी। जैसे एक फिल्म बनाने में बहुत सी कैटेगरी होती है, प्रोडक्शन से लेकर तो एडिटिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन तक एवरीथिंग,
तो सर को हर फील्ड का नॉलेज है, इसीलिए वो जो भी प्रोजेक्ट का आइडिया उन्हें आता है, आइडियाज़ तो बहुत सारे आते हैं लेकिन उसे एग्जीक्यूट करना बहुत मैटर करता है। तो सर के साथ रहकर मैंने सीखा है आइडियाज़ के साथ साथ उसे स्टार्ट टू एंड फिनिश करना, एग्जीक्यूट करना। और मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि जो 10 साल पहले मिस्टर अजहर हुसैन ने रेड एसेट फिल्म प्रोडक्शन हाउस ओपन किया था, आज मैं भी उसमें पार्टनरशिप में हूँ और उनसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। और रेड एसेट फिल्म प्रोडक्शन हाउस के बैनर में हम ना सिर्फ शॉर्ट फिल्म बल्कि फीचर फिल्म, म्यूजिकल फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्री, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, लॉन्च, इवेंट, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट बहुत सारी प्रेजेंट कर रहे हैं रेड एसेट फिल्म। तो आप सभी का साथ इसी तरह से बना रहे तो इंशाल्लाह हम अपने बैनर को बहुत दूर तक लेकर जाएंगे। एंड अभी पिछले हफ्ते ही हमने अपना एक फेस्टिवल भी कंप्लीट किया है। लॉकडाउन की सिचुएशन में जैसे सबसे पहले लोगों के कमाई के रास्ते बंद होते हैं तो सोचने के दरवाजे सबसे पहले बंद होते हैं। इस सिचुएशन में अजहर सर ने एक छोटा सा थॉट्स लाया कलाकार शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल और उसको पूरा स्टार्ट टू एंड एग्जीक्यूट भी किया। लोगों को यकीन दिलाया कि सिर्फ कमाई के रास्ते बंद हुए क्रिएटिविटी के नहीं, तो अपने बंद ताले को अपनी क्रिएटिविटी की चाबी बना सकते हैं। और लोगों को उनका थॉट्स, उनका फेस्टिवल इतना पसंद आया, सब ने पूरे हिंदुस्तान से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से हमारे फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म आई। हॉलीवुड के कुछ डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर का भी रिस्पॉन्स आया एंड ये फेस्टिवल सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में जाने लगा है। और फर्स्ट सीज़न ख़त्म होते ही सीज़न टू की भी लोगों को इतनी क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि वो जानना चाहते हैं कि सीज़न टू कब आने वाला है। तो इंशाल्लाह हम उसकी डेट को बहुत जल्द अनाउंस करेंगे। और लॉकडाउन में सर ने एक और न्यूज़ चैनल भी ओपन किया है, बॉलीवुड बोलेगा न्यूज़, एंड उसके साथ साथ आरएफ टीवी, तो उसे हम OTT में कन्वर्ट करने वाले हैं। सो ये सब कुछ सिस्टर कंपनी हम रेड एसेट के बैनर के थ्रू ओपन करेंगे, जिसके CEO है मिस्टर अजहर हुसैन और मैं उनकी पार्टनर हूँ नाज का। और मुझे बहुत नाज है कि मैं अजहर सर की पार्टनर हूँ। मैं 2017 में मुंबई आई थी, सबसे पहले मैंने जीमा इंस्टीट्यूट से अपना फिल्म डायरेक्शन कंप्लीट किया 3 साल का। देन उसके बाद मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म बनाई, म्यूजिक एल्बम बनाए और लॉकडाउन से पहले मैंने एक फीचर फिल्म कम्प्लीट की। और उसके बाद जो भी प्रोजेक्ट है सर के साथ ही किया और करने के साथ साथ उनसे बहुत कुछ सीखती भी हूँ उनके एक्सपीरियंस के थ्रू, उनके नॉलेज के जरिए। सो आई एम सो हैप्पी। तो जितना तारीफ किया जाए अजहर जी का बहुत कम है, और मैं करीब 4-5 साल हो गया जानते हुए, हमारे कई इवेंट को इन्होंने मैनेज भी किया रेड एसिड ने, आज रेड एसिड का ऑफिस का भी सोचन है। और काफ़ी काम मेहनती, मतलब डायरेक्शन फील्ड में भी याहू इनका पकड़ बहुत अच्छा है, और जो अपना इवेंट लाइन में है उसमें पकड़ अच्छा है, सेलिब्रिटी के मामले में पकड़ बहुत अच्छा है, हर तरह से मतलब इनका पॉजिटिव है, आने वाला कल बहुत उज्जवल भविष्य है। तो क्या कर सकते हैं आज के दौर में जो फिल्म बिजनेस है, आप जो जुड़े हैं मीडिया इंडस्ट्री से, कितना इफेक्ट हुआ ये सब चीज़ को? बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, अभी भी तो करीब करीब बंद ही है और धीरे धीरे रोड पे आ, पटरी पे आ रहा है, मतलब रोड पे तो आ ही गया था, पटरी पे आ रहा है अभी, तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मेरा नाम राहुल नाम है, राहुल के सिंह, मैं फिल्म राइटर, एडिटर एंड डायरेक्टर हूँ। और अजहर और हम लोग काफ़ी पुराने दोस्त हैं, एक साथ काफ़ी सारे, यानी कि बोल रहे हैं हम लोग गिल्ली डंडा साथ में खेलते थे, इतने पुराने दोस्त हैं। अच्छा। और साथ में करियर शुरू किया था और मैं अलग लाइन में आ गया, और यानी कि सेम साथ में थे हमेशा। मुझे पता चला था कि अजहर एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल कर रहा है कलाकार, मुझे भी बोला था उसने कि कर ले, तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि शॉर्ट फिल्म करने के लिए, लेकिन मेरा डेट का इशू हो गया और मैं एक वेब सीरीज़ कर रहा था मैं भी, और अभी जैसे वो कंप्लीट हुई है मेरी वेब सीरीज़, और उसी के मैं फंसा रह गया हूँ। अब मैंने उसको मैंने पूछा कि सीज़न 2 कब करना है, और सीज़न 2 के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और अच्छा है, मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे साथ का एक दोस्त यार एक अच्छा काम कर रहा है। और शॉर्ट फिल्म एक ऐसा जरिया है कि हम जैसे लोगों के लिए पैसे की बहुत तकलीफ रहती है हम लोगों को। अच्छा। सिनेमा बड़ा बनाने का सपना सबका रहता है, और मेरा तो खास करके बहुत बड़ा। जब हमारे पास में कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं कि कुछ अच्छा करें, तो थॉट्स के लिए हमने अक्सर प्रयास करते कि यार कैसे होगा, फिर कहीं से हम थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करते हैं,
और एक शॉर्ट फिल्म के जरिए से अपने इमोशंस को ना लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिसके जरिए से हम लोगों को बता सकते हैं कि यार थोड़ा तो मुझे भी आता है यार, लेकिन क्या करें कि मार्केट है और लोगों का पैसा जो लगता है वो बड़े इन्वेस्टमेंट पे ही रिकवर होता है। लेकिन फिर अपने बोलते हैं ना, एक दिल की तसल्ली शॉर्ट फिल्म से हम लोग कर लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि यार आज हर ने एक इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म तैयार किया है नए लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, कि हम अपने इमोशंस को एक छोटी स्क्रीन के जरिए से, अपनी जेब की सुविधा के जरिए से लोगों तक हम पहुँचा देते हैं। उसके बाद तो जो होगा ऊपर वाला रहम करेगा ही। सुनील सर का बताइए, क्या करना चाहेंगे, हमेशा सपोर्ट करते हैं ऐसे नए डायरेक्टर्स को, नए प्रोड्यूसर्स को। सुनील सर मेरे पुराने दोस्त हैं और सुनील सर के साथ मैंने एक फिल्म की थी, मैंने परेशानपुर फिल्म के नाम के हिसाब से फिल्म काफ़ी परेशान कर रही है, परेशानपुर। खैर जाने दो, फिल्म के टाइटल के हिसाब से फिल्म फिट है, फिल्म का नाम बता नहीं सकते हम लोग, क्योंकि अच्छा। फिल्म किसी लिटिगेशन में लगी हुई है। अच्छा। और हमारे जो डायरेक्टर थे वो भी किसी लिटिगेशन में हैं, लेकिन चलो खैर अच्छा टेंशन टेंशन मत ले यार। तो तब से हम साथ में थे और अच्छा रहा। मेरी फिल्म का भी जस्ट अभी रिलीज था मेरा 24 मार्च को, तो लॉकडाउन जैसे मेरी फिल्म पोस्टपोन हो गई। सुनील भाई वहाँ पे साथ में ही थे हमारे, और आप सब लोग भी साथ में ही थे। अभी मैं एक फिल्म की तैयारी कर रहा हूँ, मैं एक बड़ी फिल्म है मेरी, मैं अभी आर्टिस्टों के बारे में कुछ बताऊँगा नहीं, और होपफुली मैं और अजहर साथ में जुड़ने वाले हैं फिर से, क्योंकि लालच दे दिया है तो इमोशंस दिखाने का, तो साथ में करेंगे हम। और मैं दुआ करता हूँ कि अजहर हमेशा ऐसे और भी सारे प्लेटफॉर्म्स लेकर आए जो लोगों को अपना सपना दिखाने का रास्ता दिखे, और अपनी जेब और अपने इमोशंस के हिसाब से लोग एक साथ में काम करें। और OTT प्लेटफॉर्म की भी तैयारी कर रहा है, और अच्छा है, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनेंगे। ऑल द बेस्ट अजहर। थैंक्स, थैंक यू सो मच। का जो इनिशिएटिव था फिल्म फेस्टिवल का, पहले बताइए कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिला, कैसे शुरुआत की, क्या चुनौतियाँ थी और जो कामयाबी मिली उसके लिए कितनी खुशी है। फिल्म कलाकार शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल एक्चुअली सोच ऐसी थी कि जितने भी फिल्म मेकर्स हैं अपने घर बैठे हैं, कहीं ना कहीं लॉकडाउन्स में कोई ना कोई स्टोरी, हर किसी की पर्सनल एक स्टोरी होती है, उस स्टोरी को इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोगों तक पहुँचाना चाहते थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि कलाकार शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, लोग तो मुंबई शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल भी करते हैं, बहुत से इसी तरह से फेस्टिवल्स हैं, तो पर उसमें कुछ लोग पैसे के वजह से और अपनी शॉर्ट फिल्म्स को वहाँ तक पहुँचा नहीं पाते, तो मैंने कहा भाई कम से कम बजट में आप यहाँ तक शॉर्ट फिल्म्स को पहुँचाओ, और आपको लॉकडाउन के जरिए ऑनलाइन जितना भी आप प्रोसीजर कर सकते हो उस प्रोसीजर के द्वारा आप तक सारा बेनिफिट पहुँचेगा, अवार्ड्स, ट्रॉफी, और ये ट्रॉफी इन सबको एक हौसला देता है आगे भी बढ़ने के लिए। तो ये भी जानना चाहूँगा कि क्या मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली बताइए कि हर जगह से ये फिल्म आई है, अप्रिशिएट किया गया US या फॉरेन कंट्री से, किस तरह से आपने ऑर्गेनाइज किया इसको, इस तरह मतलब बताइए। ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं, बस सोचना ये पड़ा कि हम बस बंद दरवाजे में हैं, और उस बंद दरवाजे की ताली की जो चाबी है वो सिर्फ हमारी क्रिएटिविटी है, जो हमारे इस लॉकडाउन को के तहत भी हम इसको खोल सकते हैं, बस हमारी क्रिएटिविटी थी जो हमने सोचा और इसको फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ किया इंटरनेशनली। तो ये जानना चाहूँगा कि लॉकडाउन में इस तरह का नया एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, ऑनलाइन हर चीज़ हो रहा है, फिल्म फेस्टिवल से लेकर हर चीज़, उसके अंदर कितना आगे चल के फायदेमंद होने वाला है कि इस तरह से अगर हाँ फायदेमंद ये होने वाला है कि जो शॉर्ट फिल्म्स का जो ट्रेंड्स मोस्टली खत्म हो चुका था, सब लोग फीचर फिल्म्स बना रहे थे, तो हमने सोचा कि फेस्टिवल्स के जरिए जब तक लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलना शुरू होगा तो छोटे छोटे थॉट्स को भी बनाकर वो मार्केट में ला सकते हैं, और वो एक ऐसा मुकाम पा सकते हैं जिससे वो कुछ जो फिल्म मेकर्स नहीं भी होते, फिल्म मेकिंग करते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, उन सबके लिए एक अच्छा ये जरिया प्लेटफॉर्म है कि छोटी छोटी फिल्में बनाकर आगे फीचर फिल्म्स बनाने का जरिया उन लोगों के लिए ये शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है। तो ये भी जानना चाहूँगा कि आपका OTT प्लेटफॉर्म कभी आने वाला है, उसके बारे में भी क्या करना चाहेंगे। OTT प्लेटफॉर्म के बारे में इसका नाम है, अपने हमारा प्रोडक्शन हाउस है रेड एसेट फिल्म्स, तो उसका शॉर्ट फॉर्म ने कि RFTV एक ऐसा OTT प्लेटफॉर्म है जिससे इजीली हर किसी को जुड़ने का मौका मिलेगा, जो लोग अपनी फिल्म्स बनाने के बाद धक्के ना खाए और परेशान ना हो वो डायरेक्टली हमारे पास आएँ, और उनके साथ हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं कि लाइफ टाइम हमसे प्रॉफिट ले सकते हैं, वो ज़िंदगी भर वो हमारे RFTV में जुड़ने के साथ अपनी वेब सीरीज बनाए या शॉर्ट फिल्म्स बनाए वो ज़िंदगी भर हमसे वो प्रॉफिट ले सकते हैं। और ये भी जानना होगा सुनील सर का सपोर्ट हमेशा रहा आपके साथ, तो ये सुनील जी हैं जो हमारे मेरे बड़े भाई जैसे हैं, और ज़िंदगी भर इनका मुझे सपोर्ट मुझे मिलता रहा है, कभी गलती भी करता तो मुझे बोलते हैं सीधा रास्ते पे चलिए तेरा सही रास्ता है, तो इनकी नोक झोंक हर चीज़ मुझे हमेशा इंस्पिरेशन देती है आगे बढ़ने के लिए। और जैसे कि मेरे गुरु जी हैं दिनेश सक्सेना जो कि लेजेंड फिल्म डायरेक्टर, उनके बाद अगर कोई किसी की ऐसी कोई जगह है वो सुनील जी हैं,
24 घंटा इनके लिए मैं तैयार रहता हूँ, ये मिल जाए मेरे खड़े रहते, कोई भी मतलब किसी भी राह गलत राह पे भटक नहीं सकता मैं इनके होते हुए। राजकुमार तिवारी जी भी आपको सपोर्ट करने के लिए मीडिया से हम क्या बताएं। राजकुमार जी मेरे बड़े भाई हैं, हमेशा मोरली जैसे फैमिलियर हो, फाइनेंशियली हो, हर तरह से मुझे सपोर्ट करते हैं, और मेरे बड़े भाई हैं, मीडिया से हैं, और मीडिया एक होना एक अलग चीज़ है कि न्यूज़पेपर चलता है इनका, मुंबई ग्लोबल न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में, तो उसके साथ साथ इनका सबसे बड़ा सपोर्ट होगा कि मैं तेरे कंधे पे मेरा हाथ है, टेंशन मत ले। और अपने डायरेक्शन में भी एक नए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि नहीं, मतलब डायरेक्टर को क्या कहना चाहेंगे? नास काजी बहुत अच्छी एक डायरेक्टर है, जिन्होंने जीमा इंस्टीट्यूट से 3 साल का डायरेक्शन का कोर्स करने के बाद 12-15 फिल्में उन्होंने शॉर्ट फिल्में डायरेक्ट की हैं, प्लस एक अभी लेटेस्ट लॉकडाउन से पहले उनकी फीचर फिल्म कंप्लीट हुई थी, और अभी हमने एक हाल ही में एक नेटफ्लिक्स का एक वेब सीरीज साथ में कंप्लीट किया है, एज अ टीम वर्क हम लोग डायरेक्शन कर रहे थे। तो अभी रेड एसेट फिल्म जो हमारा प्रोडक्शन है, इसको हम आगे जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स अभी आ रहे हैं हम साथ ही कर रहे हैं मिलकर, और मैं चाहूँगा आप लोग का साथ हमसे जुड़ा रहे, तो हम लोग साथ साथ बहुत सारे काम करेंगे फिर। सर जानना चाहूँगा, अजय भाई ने एक फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया था ऑनलाइन, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, कब से जानते हैं उनको, क्या खासियत है इंसान के तौर पर और डायरेक्टर के तौर पर उनमें? जी सबसे पहले तो मेरा नाम सुफियान कपाड़िया है, और अजय भाई को मैं बहुत ही कम समय से जानता हूँ, बट बहुत ही अच्छे से हमारी दोस्ती है, और इंडस्ट्री में जब मैंने शुरुआत की तो अजय भाई वो पहले इंसान थे जिनसे मेरी दोस्ती हुई, और बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि रफ बुक पिक्चर्स जो मेरा प्रोडक्शन हाउस है, तो उसकी जो सबसे पहली शॉर्ट फिल्म थी रिस्पेक्ट वुमेन, वो अजय भाई ने डायरेक्ट करी थी, और उसके अलावा मैंने आज तक जितने भी शोज़ किए तो उसमें जो सबसे मेरा पहला शो था एज अ होस्ट, तो वो मुझे अजय भाई ने दिलवाया था, वहाँ पे वो उस शो को भी वो डायरेक्ट कर रहे थे, और अजय भाई से बड़ा पुराना हमारा बड़ा गहरा याराना है, और मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ जो आज उन्होंने री इनाग्रेट किया है अपने रेड एसिड फिल्म के लिए, और ये जो नई ऑफिस है बड़ी शानदार, बड़ी खूबसूरत, बड़ी पॉजिटिव सी यहाँ पे वाइब आ रही है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मैं नास जी को भी बड़ी मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि अभी नास काजी जी जो है वो अजय भाई के साथ जुड़कर रेड एसिड फिल्म में काम करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हमें और आपको देखने को मिलेंगे रेड एसिड फिल्म्स के द्वारा, और उम्मीद ये भी है कि उसमें शायद कहीं ना कहीं मेरे लिए भी कुछ होगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म में शुरुआत करने वाले हैं प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे, उसके लिए बताइए कि ओटीटी प्लेटफॉर्म कितना अच्छा मीडियम है आपके द्वारा में? मेरे ख्याल से ओटीटी प्लेटफॉर्म जब ये नया नया आया था तो हमने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा मार्केट कवर करेगा, क्योंकि एक तो इसे बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है जब से ये लॉकडाउन हुआ है, बिकॉज थिएटर्स कम्प्लीटली बंद है, सो हर कोई आज की तारीख में फ़ोन उठाता है, जिसको जो देखना है वो देखता है, आजकल फिल्में मोबाइल पे OTT प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज़ हो रही हैं, सो OTT एक बहुत ही बड़ा माध्यम हो गया है, या यूँ कहूँ कि OTT आज की तारीख में मेन स्ट्रीम हो गया है, तो अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। सो उसमें अगर ये अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ी बात है, और बहुत ही मैं इन्हें उस चीज़ की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और यही दुआ करता हूँ कि अच्छे अच्छे शोज़ आएँ हमारे लिए, इनका भी फ़ायदा हो, हमें देखकर अच्छा मनोरंजन मिले, और लोगों के लिए, इंडस्ट्री में काम करने वालों लोगों के लिए, बिकॉज ये लॉकडाउन, ये बीमारी ऐसी आई है कि हर कोई घर बैठ गया है, चाहे वो स्पॉट दादा हो, टेक्नीशियंस हो, या कैमरामैन हो, या जो रोज़मर्रा काम करते हैं एक छोटे से अमाउंट के लिए डेली पर डे पे काम करते हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो एक्टर्स काम करते हैं, तो सबके घर में कुछ ना कुछ रोज़गार जाता है। सो बिल्कुल ऐसे प्लेटफॉर्म्स और ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस को मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ, मैं मुबारकबाद देता हूँ, ताकि ऐसे लोगों की वजह से लोगों के घर में इनकम जा रही है, आमदनी जा रही है। और सर आपके बारे में आपका प्रोफेशनल फ्रंट चल रहा है, क्या करने वाले, क्या प्लानिंग? देखिए 2020 ये शायद ही कोई भूल पाएगा अपनी ज़िंदगी में, और मैं 7 या 8 महीने बाद लेंस को फेस कर रहा हूँ, बिकॉज सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आए इस लॉकडाउन में, इस पेंडेमिक में, बट जो मेरी लाइफ में जो लॉस हुआ है सबसे बड़ा वो है मेरे डैडी, मेरे डैडी एक्सपायर हो गए 8 जून 2020 को, और उनका जो बिज़नेस था जो कि मैं कम्प्लीटली फिल्म इंडस्ट्री की तरफ ध्यान दे रहा था, सो वो अब मुझे संभालना है, बिकॉज मैं उनका ओनली चाइल्ड था, सो उसके साथ साथ अभी शायद इसको मेंटेन करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होगा, बट डेफिनेटली चीज़ें नॉर्मल होती है, इंसान हर चीज़ सीखता है और आगे बढ़ता है, तो डेफिनेटली मैं भी कुछ ना कुछ नया शुरू करूँगा,
बट डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं जो एज अ प्रोड्यूसर मैं अभी मेरे बिजनेस के साथ साथ मार्केट में लेके आऊँगा, और डेफिनेटली अज़र भाई और मैं मिलके कुछ करने वाले हैं. सो उसके बारे में हमारा डिस्कशन अभी चलेगा. सो लेट्स सी व्हाट्स कम.